आयुर्वेद, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जीवनदायक वेद। हमारे प्राचीन वेदों में अथर्व वेद में जीवों के उपचार हेतु समस्त नुस्खे मौजूद हैं। आयुर्वेद बूटियों और क्रियाओं का एक ऐसा संग्रह है जो न केवल दिमाग और शरीर बल्कि आत्मा को भी संतुष्टि पहुंचाता है। आज के इस परिवेश में आधुनिक दवाइयां और चिकित्सा मौजूद होने के बाद भी आयुर्वेद ने अपना अति विशिष्ट स्थान बनाया हुआ है। आयुर्वेद हमारे घर घर की परंपरा है, हमारा अपना ज्ञान है, लेकिन आज आयुर्वेद को लेकर भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल नहीं है। बहुत से प्रयास करने बाकी हैं आज, ताकि हम अपनी आयुर्वेदिक परंपरा को हम दुनिया तक पहुंचा पाए। श्री मनीष मारवाह जी को यकीन था कि ये पद्धति मानव हित में एक स्वर्णिम इतिहास लिख सकती है और जनमानस के लिए अति महत्वपूर्ण औषधियों से उनका कष्ट निवारण कर सकती है। इसी पवित्र उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 2014 में मनीष जी ने अमूल्या हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। अमूल्या का मिशन देश को स्वास्थ्य देना है और अमूल्या ने इस दिशा में बहुत गंभीर प्रयास करे। हमने आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को अमूल्या की अत्याधुनिक प्रयोगशाला में लाकर उन पर नवीनतम तकनीकों से संशोधन द्वारा विशेष आयुर्वेदिक उत्पादों का विकास किया। हमने आयुर्वेदिक सिद्धांतों पर ऐसे उत्पादों का निर्माण किया जो असरदार हैं, शक्तिशाली हैं और जिनका कोई नकारात्मक प्रभाव भी नहीं है। इसे भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। हमारे जो भी अमूल्य के प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके अंदर जो भी तेल इस्तेमाल होते हैं वो सबकी टेस्टिंग होती है। गैस क्रोमेटोग्राफी के फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं और टेस्टिंग के बाद ही जब सैंपल पास हो जाता है उसके बाद ही हम बल्क में उसको इस्तेमाल करते हैं। अमूल्या के संचालन का महत्वपूर्ण अंग है अमूल्या रिसर्च सेंटर। यहाँ आधुनिक तकनीकों से आयुर्वेदिक औषधियों के अनुसंधान, विकास और प्रगतता के लिए कार्य किया जाता है। अमूल्या रिसर्च सेंटर में हमने विश्व स्तरीय इंस्टीट्यूशंस के साथ अपने एग्रीमेंट करे, जिसमें चितकारा यूनिवर्सिटी, जिसमें डीएवी इंस्टीट्यूट और परवारा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जिनके माध्यम से हमने अपने उत्पादों को विश्व स्तर पर ले जाने का प्रयास करा, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रयास था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हमने एक इन हाउस क्वालिटी एश्योरेंस लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की है और हर एक प्रोडक्ट का, हर एक बैच की टेस्टिंग की जाती है और रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने हमारे क्वालिटी कंट्रोल से जो अमूल्य के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है उसमें ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आया। हमने पैकेजिंग के अंदर जो क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स थे, हमने देखा कि कहाँ पे माइक्रोब्स ज़्यादा आ रहे हैं, पैकेजिंग इम्प्रूव करी, सफाई इम्प्रूव करी, हर्ब की प्रोसेसिंग के तरीके, हैंडलिंग के तरीके, सबके अंदर जब हमने इंटरवेंशन की तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। अमूल्या रिसर्च सेंटर में मौजूद सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स की टीम वैद्यों द्वारा निर्मित नायाब फॉर्मूले पर रिसर्च करती है। अमूल्या जो मेडिसिन हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनकी हम साइंटिफिक डेटा जनरेट कर रहे हैं और उस साइंटिफिक डेटा से जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको और बेहतर बना रहे हैं। अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कायम रखने के लिए कंपनी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा ये सुनिश्चित करती है कि रॉ मटेरियल में कोई मिलावट तो नहीं है। जो भी पौधे हैं, वनस्पति है, वो हम जंगलों से या खेतों से कलेक्ट करते हैं, अगर कल्टीवेट की जाती है तो उसके साथ जीवाणु चिपक जाते हैं और इनको निकालना बहुत ही कठिन होता है। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जो कि देखने में एक जैसी लगती हैं परंतु उनका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो इस तरह की गलती ना हो, जो हम प्रोडक्ट बनाएं अच्छे ठीक काम करे वो। लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग शुरू में ही रॉ मटेरियल का अगर करते हैं तो आगे के प्रोडक्ट्स में कोई भी मिलावट नहीं होती है और उसका जो इफेक्ट है या उसका जो तासीर हमें मिलेगा वो बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा। तो उस डीएनए को हम एक्सट्रैक्ट करके उसकी पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करके एक बैंडिंग पैटर्न मिलती है हमें
और उस बैंडिंग वो बैंडिंग पैटर्न हर पौधे का अलग अलग होता है। इसी को हम फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं, मतलब वो उस पौधे के लिए ही स्पेसिफिक है, उसी पौधे में वो वाला ही बैंडिंग पैटर्न हमें हमेशा मिलेगा। यहाँ पर हर मिश्रण के क्लिनिकल ट्रायल किए जाते हैं। प्री क्लिनिकल स्टडीज के अंदर चितकारा यूनिवर्सिटी के पास एनिमल हाउस है, अप्रूव्ड एनिमल हाउस है। सिस्टमैटिक वे में कम समय में हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर हमारी 3-4 तरह के फॉर्मूले हैं तो 4 में से नंबर 1 पे कौन सा है। बेसिकली हम यहाँ पे 2 तरह की स्टडीज़ करते हैं, जो भी हर्बल ड्रग्स हैं या सिंथेटिक ड्रग्स हैं उनकी पोटेंसी और एफिकेसी को चेक करते हैं। अलॉन्ग विद दिस हम यहाँ पे भी वो जो ड्रग है उसकी टॉक्सिसिटी प्रोफाइल चेक करते हैं कि क्या वो ड्रग किसी तरह की टॉक्सिसिटी तो नहीं दे रही। वंस वी गेट द डाटा ऑफ दिस प्री क्लिनिकल एफिकेसी एंड पोटेंसी अलॉन्ग विद द टॉक्सिसिटी डाटा, देन वी प्रोसीड दैट पर्टिकुलर स्टडी टू द ह्यूमन बींग्स। सो ऑन द सिमिलर लाइन हम अमूल्य हर्ब्स के लिए यहाँ पे स्टडी कंडक्ट करते हैं, जो भी उनकी मार्केट फॉर्मुलेशंस हैं उनकी हम यहाँ पे एफिकेसी पोटेंसी और टॉक्सिसिटी स्टडीज करते हैं। अभी हमने डायबैक्स की स्टडी की है, लिवर डी अमूल्य लिवर डी एस की स्टडी यहाँ पे की है, यहाँ पे हमने चेक किया कि जो अमूल्य डायबैक्स है वो कैसे डायबिटिक इंड्यूस एनिमल्स में प्रोटेक्टिव इफेक्ट दिखा रही है। सिमिलर केस जैसे अमूल्य लीवर डी एस है वो कैसे प्रोटेक्टिव इफेक्ट दिखा रही है लीवर इंजरी में इन केस ऑफ विस्टर रैट्स, और दोनों के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। वो उन्होंने अपनी एफिकेसी पोटेंसी शो की है और कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है। सो अमूल्य की जितने भी फॉर्मुलेशन हैं वो यहाँ पर आती हैं, उनको हम यहाँ पर एनिमल्स पे टेस्ट करके देखते हैं और जो एनिमल का डाटा है वो हमें बताता है कि ये ड्रग्स ह्यूमन के लिए भी उतने ही सेफ हैं। आज ये जो रिसर्च सेंटर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, माइक्रोबायोलॉजी लैब्स, बायोकेमिस्ट्री, ये सब चीज़ें जो हैं हमें विश्व स्तर के उत्पाद बनाने में हेल्प कर रही हैं, ताकि हम अपने उत्पादों को हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने तक पहुँचा पाएँ। ये एक बहुत बड़ा कदम है जिससे कि हम आयुर्वेदा को एलोपैथिक की क्वालिटी के स्तर पे ला रहे हैं, बैच टू बैच रिप्रोड्यूसिबिलिटी इंश्योर कर रहे हैं, जो वेरिएशन है उसको ख़त्म कर रहे हैं। आधुनिक युग की ज़रूरतों और मॉडर्न लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम्स को समझते हुए अमूल्य हर्ब्स ने न्यूट्रास्यूटिकल्स, सप्लीमेंट्स और हर्बल कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स का विकास किया। अमूल्य के प्रोडक्ट्स बेहतरीन मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं और बाजार में पहुंचने से पहले कड़े क्वालिटी टेस्ट से गुजरते हैं, ताकि ग्राहकों तक पहुंचे सिर्फ और सिर्फ सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट। अमूल्य के सभी प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिक मशीन्स द्वारा पैक किए जाते हैं, जिससे ये बिना मानव स्पर्श के कंज्यूमर्स तक पहुंचते हैं। आयुर्वेद द्वारा मानव कल्याण अमूल्य का मूलभूत उद्देश्य है। हमारे लिए अमूल्य हर्ब्स मात्र एक व्यवसाय ही नहीं बल्कि एक अभियान है, जिसका उद्देश्य है देशवासियों को निरोगी बनाना।